तो आज हम जानेंगे कावेरी डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में। तो कावेरी जल विवाद के बारे में तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसका रिवर्वेशन, रिवर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। वेशन के किस राज्य में कितना स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है? तो कर्नाटका में इसका जो रिवर्वेशन है वो है 34,273 स्क्वायर किलोमीटर, और जो केरला में है इसका 2,866 स्क्वायर किलोमीटर, और जो तमिलनाडु में है, 43,868 स्क्वायर किलोमीटर। और एक हमारा यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, उसमें है इसका 148 स्क्वायर किलोमीटर, 148 स्क्वायर किलोमीटर पुडुचेरी में बना है। तो ये तीन स्टेटों से, मतलब तीन स्टेटों में बहती है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और इसका रिवर्वेशन कर्नाटका में 34,273 है और केरला में है इसका 2,866 और तमिलनाडु में है 43,868। अब हम जानते हैं कि इसका उद्गम, तो इसका उद्गम जो है, तो उद्गम है इसका ब्रह्मागिरी। ब्रह्मागिरी में इसका कर्नाटक के कूर्ग जिले में ब्रह्मागिरी से ये निकलती है, और जो मतलब शिव समुद्रम वाटरफॉल है वो सेपरेट करता है गगना चूकी को। तो इसका उद्गम है ब्रह्मागिरी, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट जल विद्युत स्टेशन है वो कर्नाटका में है, शिव समुद्र में स्थापित किया गया था 1902 में। तो ये मतलब इंडिया का पहला भी है और एशिया का पहला विद्युत स्टेशन है, एशिया का पहला। अब हम बात करते हैं विवाद की। तो विवाद क्या है? तो विवाद ये मतलब आज से नहीं है, 150 साल पुराना विवाद है। तो साल 1892 में, साल 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी, पहली ये थी मद्रास, और दूसरा था मैसूर साम्राज्य। तो इन दोनों के बीच पानी को लेकर एक समझौता हुआ था, अब हम बात करते हैं कि विवाद क्या है। विवाद ये है कि जो तमिलनाडु है,
तमिलनाडु स्टेट के जो लोग हैं वो 15 क्यू सेक वाटर की मांग कर रहे थे कि हमारे स्टेट के लिए 15 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए। क्यूसेक होता है, क्यूसेक मेजरमेंट कर मेजरमेंट द अमाउंट ऑफ मेजर मेंट द अमाउंट ऑफ रिली वाटर released from reservoir, जो मतलब जलप्रपात से जो वाटर रिलीज किया जाता है उसको मेजर करता है क्यूसेक। तो तमिलनाडु ने मांग की कि 15 क्यूसेक पानी हमारे लिए छोड़ा जाए, और इनका फिर आर्ग्यूमेंट था कि हमें 10 क्यूसेक भी पानी नहीं छोड़ा गया। तो ये विवाद था। अब हम जानते हैं कि जो तमिल भाषा में कावेरी को तमिल भाषा में पौत्री के नाम से भी जानते हैं, पौत्री के नाम से जानते हैं पौत्री। और ये मतलब पौंडचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदी हैं तो कामविनी, अर्कवती, हरंगी और हेमवती। और शिमाशा और भी बहुत सारी हैं। थैंक यू।